स्वागत है आपका स्वदेश में। आज की खास खबरें कुछ इस प्रकार हैं। जम्मू कश्मीर के लिए पीएम मोदी ने लॉन्च की आयुष्मान भारत योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर के निवासियों को हेल्थ स्कीम का तोहफा दिया है। इस आयुष्मान भारत पीएम जय सेहत योजना का फायदा जम्मू कश्मीर के 1.5 करोड़ लोगों को मिलेगा। पीएम मोदी की तरफ से जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में आयुष्मान भारत पीएम जय सेहत योजना के लाभार्थियों को ई कार्ड वितरित किया। पीएम मोदी ने कहा, आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ऐतिहासिक है। सेहत स्कीम अपने आप में ये एक बहुत बड़ा कदम है और जम्मू कश्मीर को अपने लोगों के विकास के लिए ये कदम उठाता देख मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। तिरुवनंतपुरम में 21 साल की आर्या होंगी देश की सबसे युवा मेयर। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में 21 साल की छात्रा आर्या राजेंद्रन देश की सबसे युवा महापौर होंगी। माकपा की जिला तथा प्रदेश कमेटी ने उनकी उम्मीदवारी की मंजूरी दी है। बीएससी गणित की छात्रा आर्या शहर के मुदवन मुगल से पहली बार पार्षद चुनी गई हैं। पार्टी ने मेयर पद के लिए उनका नाम आगे बढ़ाते हुए उम्मीद जताई है कि और भी शिक्षित महिलाएं नेतृत्व की भूमिका में आएंगी। शीतकालीन सत्र से 2 दिन पहले आई रिपोर्ट, विधानसभा के 77 में से 34 कर्मचारी कोरोना संक्रमित। मध्य प्रदेश में 28 दिसंबर से विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होनी है, लेकिन इससे 2 दिन पहले आई एक रिपोर्ट ने हर किसी को सकते में डाल दिया है। दरअसल शीतकालीन सत्र से 2 दिन पहले आई रिपोर्ट में विधानसभा के 77 में से 34 कर्मचारी कोरोना संक्रमित बताए गए हैं। पहले इन सभी कर्मचारियों का रैपिड एंटीजन टेस्ट हुआ, जिसके बाद RT-PCR भी कराई गई। इसके अलावा 25 दिसंबर को भी 55 लोगों का टेस्ट कराया गया, जिनकी रिपोर्ट 26 दिसंबर की शाम तक आएगी। ऐसे में विधानसभा सत्र को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। सोना चांदी के भावों में फिर तेजी। सोना 51,400 और चांदी 65,000 रुपए पार। राजधानी के सराफा बाजार में सोना और चांदी के भाव में फिर तेजी आई है। 10 ग्राम 23 कैरेट सोना 51,400 रुपए में मिल रहा है तथा चांदी के भाव 65,500 रुपए प्रति किलो तक हैं। शादी ब्याह का सीजन नहीं होने के कारण सराफा बाजार में ग्राहकों की रौनक भी देखने को नहीं मिल रही है। इस साल सोना चांदी के रिकॉर्ड में तेजी आई है। सोना अपने उच्चतम स्तर 58,000 रुपए एवं चांदी 70,000 रुपए पार कर चुकी है। लॉकडाउन में बंद दुकानों में भी सोना और चांदी खूब चमकते थे। अगस्त के पहले सप्ताह तक रिकॉर्ड स्तर पर भाव पहुंच चुके थे, लेकिन कोरोना वैक्सीन आने की खबरों के बाद भाव में उतार आने लगा। नोटबंदी के दौरान 9 करोड़ रुपए के काले धन को सफेद करने वाला शख्स गिरफ्तार। नोटबंदी के दौरान फर्जी तरीके से अलग अलग बैंकों में 7 अकाउंट खुलवाकर लगभग 9 करोड़ रुपए की काली कमाई को व्हाइट करने वाला धोखेबाज को आर्थिक अपराध शाखा ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ वर्ष 2018 में मामला दर्ज किया गया था, लेकिन अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका था। पुलिस का कहना है कि आरोपी पुलिस से बचने के लिए यमुना पार, रोहिणी और नोएडा के इलाकों में रह रहा था। फिलहाल उसे जहां से गिरफ्तार किया गया है वह एक पेइंग गेस्ट एकोमोडेशन है, जो यमुना पार के नवीन शाहदरा में स्थित है। इसी तरह की खबरें जल्द से जल्द पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ स्वदेश में।